Hello everyone, this is Professor Pavan Chonkar and I welcome you in a 42nd lecture of Machine Design and Drawing 2. And we have done with the design of bearing, you know, full journal bearing, and later on we'll start the design of internal combustion engine parts. So in internal combustion engine parts we'll go for design of cylinder and cylinder head, then piston and connecting rod. So we'll try to cover the part of design of connecting rod. Okay, it is a very lengthy part. So we'll start with the cylinder and cylinder head first, then we'll cover piston. So what is the internal combustion engine? So internal combustion engine is the kind of engine where combustion of fuel like diesel or petrol takes place inside the cylinder and the cylinder wall. Okay, usually fuels are diesel and petrol. Okay, so principal parts of IC engine are, so for which part we can go for designing. So number one is a cylinder and cylinder liner, then piston, piston ring, piston pin or gajan pin. Piston pin ko gajan pin bhi bolte hai. Then connecting rod with a small and big end bearing. कनेक्टिंग रॉड में जैसे बड़े एंड में क्या बैठेगा, क्रैंक पिन कनेक्ट होगी. सो क्रैंक पिन और कनेक्टिंग रॉड का इनर सरफेस में एक जो बेरिंग रहेगा, ओके, वो बेरिंग, और लास्ट एंड में वहाँ पे गजन पिन जैसे फिट होगी तो वहाँ पे भी एक बेरिंग रहेगा, वो छोटा बेरिंग रहेगा. ओके, तो ये बेरिंग के साथ में कनेक्टिंग रॉड का डिज़ाइन है. देन है क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन एंड last one is a wall gear mechanism. So here you can see structural diagram for combustion engine, internal combustion engine, where you can see this is a crank. Okay, ye hai crank, to crank ka ye ho gaya center. Okay, you can see it is a crank shaft. ye agar crank hai to yahan pe connecting rod isse connect hoga, to ye hai aapka connecting rod. कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड ये जहाँ पे बेरिंग फिट होगा, यहाँ पे ये स्मॉल एंड जहाँ पे जो पिन, पिस्टन पिन कनेक्ट हो रही है, तो पिस्टन पिन या फिर गजन पिन, तो पिस्टन यहाँ पे कनेक्ट होगा. ये रहेगा आपका कंप्लीट इतना पिस्टन. दीज आर दी स्लॉट्स वेयर पिस्टन रिंग्स कैन बी कनेक्टेड. And this is the cylindrical head in which your piston will reciprocate. ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हम कि length and bore of the cylinder head. तो ये हो गया आपका cylinder, wall of the cylinder. ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, crank pin है, connecting rod है, then gajan pin है, ये piston है, this is a piston, then piston ring. Okay, now cam. What are the cams? Cams are used to operate the valves. ठीक है, जो इनलेट और आउटलेट होने के लिए, सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे जो वॉल्स है वो ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कैम है. जो लोब टाइप स्ट्रक्चर है जिसपे एक रॉड कनेक्टेड है, विद द रोटेशन ये ऑपरेट होगा वर्टिकली अप एंड डाउन. ओके, सो एग्जॉस्ट वॉल्व, इनलेट वॉल्व, दीज आर दी वॉल्स. वर्किंग आपको पता है अभी, ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड. तो ये मैनिफोल्ड क्या है, दीज आर दी पैसेज थ्रू विच एयर फ्यूल मिक्सचर विल कम इन व्हेन दिस वॉल्व विल गो मूव अपवर्ड. सक्शन स्ट्रोक होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा, उसके बाद में पिस्टन का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होगा. वैसे फिर यहाँ पे स्पार्क इग्निशन होगा, एक्सपांशन होगा, और बाद में ये वॉल्व ऑपरेट होके ये ओपन होगा और यहाँ से एग्जॉस्ट होगा. सो दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म विच इज डन इन इंटरनल कंबशन इंजन. इसमें हम सिलेंडर स्पेसिफिकली और पिस्टन, इन दोनों का डिजाइनिंग पार्ट कवर करेंगे. ओके, कनेक्टिंग रॉड बहुत वास्ट पार्ट है, उसको ट्राई करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम सिलेंडर और पिस्टन को कवर करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट directly with the numerical of cylinder and cylinder liner. Okay, तो जैसे यहाँ पे एक numerical दिया है जिसमें specification है अलग अलग.
वन मोर थिंग, जो डिज़ाइन प्रोसीजर है सिलेंडर और सिलेंडर हेड की, वो स्टैंडर्ड डाटा बुक में डायरेक्टली दिए, उसको एज इट इज़ फॉलो करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे नोटेशंस, बहुत सारे मैकेनिकल टर्म्स आएगी जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी, जैसे ब्रेक पावर क्या है, इंडिकेट पावर क्या है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, ठीक है, बोर लेंथ, बोर डायमीटर क्या है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड क्या है, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है, ये सब कुछ अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सो और ये चीज़ें वैसे तो आपको पता है, टॉम 1-2 में मैक्सिमम कवर हो चुका है। ओके सो इसको डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा लेंदी है। सो अ फोर स्ट्रोक डीजल इंजिन हैज़ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। सो ब्रेक पावर इज 5 kW, स्पीड इज 1200 RPM, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 0.35 N/mm², मैकेनिकल इफिशियंसी इज 80%। सो डिटरमाइन नंबर वन बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर। जैसे ये तो मैक्सिमम चीज़ें तो क्लियर हो ही रही कि ये क्या होना चाहिए, बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो बोर क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, एंड लेंथ, ठीक है, उसका डेप्थ कितना है। सेकंड थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड। थर्ड इज साइज ऑफ द स्टड फॉर द सिलेंडर हेड, जो स्टड लगेंगे, जनरली 4 स्टड लगेंगे सिलेंडर हेड के लिए फिट होने के लिए। ओके सो सिलेंडर हेड का स्टड, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं डाटा। सो व्हाट इज गिवन इन डाटा, सबसे पहले ब्रेक पावर दिया है इज 5 kW, दैट इज 5×10³ W। ओके नेक्स्ट क्या दिया है, RPM, सो 1200 RPM। ओके नेक्स्ट RPM दिया है, इसे एक स्मॉल n निकलेगा, एंड दैट इज n/2, सो दैट इज 1200/2 इज 600। क्लियर। नाउ PM इज व्हाट, मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 0.35 N/mm². ओके और क्या दिया, मैकेनिकल इफिशियंसी, सो बीटा एम मैकेनिकल इफिशियंसी इज 80%। सो वी कैन राइट 0.8 और 0.80, ठीक है, इतना सब कुछ दिया है। सो वील स्टार्ट विद द बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर। सो सॉल्यूशन, नंबर वन बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर, बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे गिव अस ब्रेक पावर, बट वी हैव द फॉर्मूला फॉर इंडिकेटेड पावर, हेंस इंडिकेटेड पावर IP इज व्हाट, ब्रेक पावर बाय मैकेनिकल इफिशियंसी, बाय मैकेनिकल इफिशियंसी। सो IP इक्वल टू BP बाय मैकेनिकल इफिशियंसी। ओके फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, सो पुट अप द वैल्यूज, IP इक्वल टू BP कितना है, ब्रेक पावर है 5 kW, 5×10³ डिवाइड बाय मैकेनिकल इफिशियंसी 0.8, तो इंडिकेटेड पावर आ रहा है यहाँ पे 6250 W। गॉट इट, चलो ये आ गया। नाउ वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर इंडिकेटेड पावर, सो इंडिकेट पावर IP इज बट इंडिकेटेड पावर IP इज PM इंटू L इंटू A इंटू स्मॉल n बाय 60, वेयर PM इज इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, लेंथ ऑफ बोर, एरिया, ओके प्रोजेक्टेड एरिया जो अवेलेबल है इनसाइड द बोर,
n small n जो हमने RPM से निकाला है 60. So put up the values. Indicate power हमने निकाला है 6250 वैट है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड है. सो न्यूटन ओके, मीटर को हम यहाँ पे mm में यूज करेंगे, तो यहाँ का 1000 हम नीचे लेके जाएंगे. सो मीन इफेक्टिव प्रेशर इज कितना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज ओके. लेंथ इज दी नहीं है, एक्चुअली लेंथ का स्टैंडर्ड रिलेशन है डायमीटर से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सिंस स्मॉल एल इज 1.5 डी, लेंथ ऑफ बोर इज 1.5 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ बोर. ओके, सो ये हो जाएगा आपका 1.5 डी इंटू एरिया इज 5/4, तो डिवाइड में यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं. ओके, 5/4 डी स्क्वायर. ओके, एंड स्मॉल एन इज 600. अब देखो यहाँ पे हमें डायमीटर एमएम में निकलना है, हमने ये यहाँ पे जो इंडिकेटेड पावर है 6250 वैट मतलब न्यूटन मीटर पर सेकंड में लिया, तो न्यूटन मीटर की जगह पे यहाँ पे 1000 मतलब न्यूटन एमएम पर सेकंड, तो यहाँ का जो 1000 है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा, तो भी कोई टेंशन नहीं है. 10^3, तो ये हमने शिफ्ट कर दिया इधर. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पे अननोन टर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर. सो निकल जाएगा डायमीटर, सो डायमीटर इज 115 ये आया एमएम में. अगर हम ये ऐसा नहीं करते तो जो कुछ भी डायमीटर आता था वो मीटर में आएगा, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो डायमीटर आया तो लेंथ भी आ जाएगा. सो सॉरी, लेंथ इक्वल टू क्या है 1.5 डी, सो लेंथ रहेगी 1.5 × 115, तो ये हो जाएगा 172.5 mm. सो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ बोर कैपिटल एल कैन बी डिटरमाइंड, कैपिटल एल रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं. Hence, capital L is 1.15 × l, length of bore is 1.15 × length, कितनी आई थी 172.5, तो capital L आ गया 198. So, standard हमने value ली 200 mm. ये होगी कंप्लीट लेंथ सीधी सीधी. ओके, नाउ डायमीटर ऑफ बोर हो गया, लेंथ ऑफ बोर हो गया, और कैपिटल टोटल लेंथ होगी. नाउ सेकंड इज थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड, थिकनेस ऑफ सिलेंडर. अब थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड देखते हैं. सो मीन इफेक्टिव प्रेशर, नहीं नॉट मीन, दैट इज मैक्सिमम प्रेशर पी मैक्स, ये रहेगा 9 times मीन इफेक्टिव प्रेशर, 9 × PM. सो 9 × 0.35, तो ये आएगा आपका 3.15. क्या प्रेशर ही है, सो न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, सो मैक्सिमम प्रेशर इज 9 times द मीन इफेक्टिव प्रेशर. सो 9 × जो वैल्यू है प्रेशर की 0.35 वो हमने किया, तो ये आ गया 3.15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ओके, नाउ द थिकनेस, फॉर द थिकनेस फॉर्मूला इज गिवन, TH इक्वल टू दिया है कैपिटल D अंडर रूट C × Pmax by sigma tau.
वैसे तो यहाँ पे सिग्मा टाउ की वैल्यू दी नहीं है, तो ये हमें एज्यूम करनी है। तो सिग्मा टी बोल सकते हैं या टाउ बोलो, 42 मेगा पास्कल। सो और पी मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है, सी क्या रहेगा, हीट डिसिपेशन कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। सो थिकनेस हम यहाँ पे निकालेंगे। अब सी की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ भी ये भी हमें एज्यूम करनी है। सो इट इज़ एज्यूम्ड एज 0.1। सो नाउ पुट अप द वैल्यूज, थिकनेस टी एच इक्वल टू 115 अंडर रूट सी, दैट इज 0.1। पी मैक्स मैक्सिमम प्रेशर इज 3.15 डिवाइड बाय सिग्मा टी इज 42 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना, 42। सो थिकनेस आई 9.96 अराउंड 10 mm, तो ये आ गई थिकनेस। क्लियर है, थिकनेस आ गई। नाउ और थर्ड पार्ट और द नेक्स्ट पार्ट इज द साइज ऑफ स्टड फॉर सिलेंडर हेड। सो साइज ऑफ स्टड फॉर सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड उसके लिए है, सबसे पहले तो हमें इसके लिए निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर हेड। ओके, सो नाउ फोर्स ऑन सिलेंडर हेड जीएडी। सो फोर्स इज व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। सो प्रेशर है हमारे पास में पी मैक्स, सो फोर्स इज व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इज पाई बाय 4d² इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर हेड। नहीं, स्टड भी तो सर्कुलर है नेचर में, तो उसका एरिया और उस पर आने वाला प्रेशर, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन सिलेंडर हेड। तो हम सिलेंडर हेड की बात कर रहे हैं, सो ये जो डायमीटर रहेगा वो सिलेंडर हेड का है। ओके, अगर हम स्टड की बात करेंगे तो निकालना है तो हमें साइज ऑफ स्टड ही निकालना है, बट फोर्स ऑन सिलेंडर हेड। सो सिलेंडर हेड का डायमीटर और सिलेंडर हेड पर आने वाला प्रेशर। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे हम, पाई बाय पी मैक्स इज 3.15 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी कितना है 115 उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा 3272, सॉरी ये पे लिख देता हूँ मैं 3702 न्यूटन, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेंडर हेड का जो फोर्स है वो कैलकुलेट कर लिया है। नाउ रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द ऑल स्टड्स, जितना प्रेशर सिलेंडर हेड पे आ रहा है वो बियर कौन कर रहा है, जो स्टड लगे रहेंगे वहाँ पे उतने, तो नंबर ऑफ स्टड विच विल रेजिस्ट द इनकमिंग फोर्स, तो यहाँ पे रहेगा रेजिस्टिंग फोर्स ऑन स्टड, ठीक है, क्योंकि ये स्टड बियर कर रहे हैं सब कुछ फोर्स, वाया स्टड ये कनेक्टेड है सिलेंडर हेड। ओके, सो रेजिस्टिंग फोर्स ऑन स्टड विल बी, फॉर्मूला है ns मतलब नंबर ऑफ स्टड इंटू पाई बाय 4 dc² डायमीटर ऑफ स्टड है ये इंटू सिग्मा टी, दिस इज अ स्ट्रेस फॉर स्टड मटेरियल, ठीक है। अभी अलग अलग हो सकता है, यहाँ का जो सिग्मा टी है ये हमने सिलेंडर हेड के लिए किया, अब सिलेंडर हेड का मटेरियल और स्टड का मटेरियल अलग अलग रहेगा, ठीक है। जैसा ये सपोज एल्यूमिनियम है सिलेंडर हेड, तो ये कास्ट आयरन हो सकता है, माइल्ड स्टील हो सकता है। ओके, सो इसकी वैल्यू अलग लेनी है, तो यहाँ पे फिर से हमें ये एज्यूम ही करना है, सिंस सिग्मा टी इज सपोज 65 मेगा पास्कल, ये स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करनी है आपको, अलग कोई वैल्यू एज्यूम नहीं करनी है, दी भी नहीं रहेगी, एज्यूम यही करना है आपको सिलेंडर हेड के लिए 42 मेगा पास्कल एंड ये सिग्मा टी ही है, नॉट टाउ। ओके, सिग्मा टी है,
और यहाँ पे सिग्मा टी 65 मेगापास्कल, दिस इज फॉर स्टड, दिस इज फॉर सिलेंडर हेड. ओके सो रेजिस्टिंग फोर्स ऑन स्टड, ये दोनों पहले, सबसे पहले हम फोर्स इक्वेट करेंगे. नाउ अब ये कैलकुलेट करने से पहले एक्चुअली सबसे पहले दो कंडीशन है नंबर ऑफ स्टड की. सो नंबर ऑफ स्टड एन एस इक्वल टू 0.01 डायमीटर प्लस 4 और एन एस इक्वल टू 0.02 डायमीटर प्लस 4, दो कंडीशन है. ठीक है, तो डायमीटर इज 115, तो यहाँ पे ये इक्वेशन जब हम फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.01 इंटू 115 प्लस 4 एंड 0.02 इंटू 115 प्लस 4, तो यहाँ पे आ रहा 5.15 और 6.3. सो 5.15 टू 6.3 नंबर ऑफ स्टड की वैल्यू चाहिए. सो हम इसलिए फिर जो एन एस है वो सिलेक्ट करेंगे एक सेफर वैल्यू. सो 6.3 है, 5.15 है, सो दैट्स वाई वी हैव सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्टड एज 6. ओके सो अब ये 6 लेके इस इक्वेशन को, कौन सा ये जो इक्वेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टिंग फोर्स ऑन स्टड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टड की वैल्यू पुट अप करनी है. सो इक्वेशन 1, सबसे पहले तो रेजिस्टिंग फोर्स हमने ऊपर का कैलकुलेट किया, ये 32702 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टड हमने लिए है 6 इंटू पाई बाय 4, डीसी स्क्वायर है, सो डीसी स्क्वायर का जो रिलेशन है डी से, सो 0.84 डी. ओके 0.84 डी इसका स्क्वायर इंटू 65. ओके यहाँ पे हमने क्या लिया है स्टैंडर्डली, डीसी इज 0.84 इंटू डी. ओके सो यहाँ पे डायमीटर आ जाएगा आपका स्टड का. सो सॉल्विंग इक्वेशन अबव इक्वेशन, हेंस डी इज इक्वल टू स्मॉल डी आना चाहिए 12.3 mm. सो स्टैंडर्ड लेना है 14 mm. ओके तो डायमीटर ऑफ स्टड लिया हमने 14 mm. चलो ये पार्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज पिच सर्कल डायमीटर ऑफ स्टड. पिच सर्कल डायमीटर ऑफ स्टड ओके डिनोटेड बाय डीपी इज इक्वल टू, और इक्वेशन है पिच सर्कल डायमीटर फॉर स्टड का कैपिटल डी प्लस 3 टाइम्स स्मॉल डी. ओके डी प्लस 3 डी. सो लेट अस कैलकुलेट डीपी. कैपिटल डी इज 115 प्लस 3 इंटू स्मॉल डी इज 14, ऊपर जैसे हमने कैलकुलेट किया, तो डीपी कितना आया यहाँ पे, डीपी आया है 157 mm. दिस इज अ पिच सर्कल डायमीटर ऑफ स्टड. नेक्स्ट इज पिच ऑफ स्टड. पिच ऑफ स्टड इज गिवन बाय फॉर्मूला पाई इंटू डी पी बाय नंबर ऑफ स्टड. सो पाई एज इट इज, डी पी अपने निकाला 157, नंबर ऑफ स्टड हमने कैलकुलेट किए थे 6, तो यहाँ पे पिच ऑफ स्टड आया 82.2 mm. गॉट इट. सो नाउ वी आर चेकिंग फॉर लीक. ओके सो फॉर लीक प्रूफ, फॉर लीक प्रूफ जॉइंट पीच ऑफ स्टड लाई बिटवीन, फॉर लीक प्रूफ जॉइंट पीच ऑफ स्टड लाई बिटवीन 19
root D to 28.5 root D. Okay, 19 root D to 28.5 root D, where D is what? Nominal diameter. So 19 root D or 28 point root D calculate हमने किया तो कितना आएगा, 19 root D is 19 under root D कितना है 14, तो ये आ रहा है 71.1 mm और 28.5 root D, that means 28.5 under root 14, so ये आ रहा है 106.6. okay, so pitch of stud which is obtained, pitch of stud हमने लिया है मतलब calculate किया है, ये आया आपका 82.2. तो ये safer zone में है क्या, ये और ये range में है? Yes, वो जो value है 82.2 is between 71.1 and 106.6, तो इसके रेंज में है. So selected value is or calculated value is safe, so we can say pitch of stud obtained, sorry, pitch of stud obtained, pitch of stud obtained lie between 71.1 to 106.6 mm. Okay, so calculated D is, so calculated size of stud that is D is equal to 82.2 mm is satisfactory. Pitch of stud था. Pitch of stud. तो calculate size क्या था? Size D is equal to 14 mm is satisfactory. Okay, that's it. Thank you. And in next lecture we'll cover numerical on piston. Okay, एक-एक numerical हम cover कर रहे हैं. बड़े numerical है. Okay. So thank you. We'll stop here.